Hello everyone, I am Saveri Sarkam and I am your mentor for your UGC NET Economics exam. I have done my graduation from SRCC, Masters from CESP JNU, and for the past 1 year I have been working with ISI Delhi. Now I know there are so many amazing books out there that you want to refer before your UGC NET exam, but as every exam had that specific requirement, so does this exam. आज मैं उन्हीं नीड्स को ध्यान रख के आपके लिए एक बहुत स्पेसिफिक और एक बहुत इफेक्टिव बुक लिस्ट लेके आई हूँ जिससे आप टारगेटेड तरीके से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं. सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो बिफोर गेटिंग इनटू द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस अ वीडियो. सो बिगनिंग विद द स्पेसिफिकेशन ऑफ योर यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स एग्जाम, यू हैव 10 टॉपिक्स. These are your 10 topics. These are essentially your 10 subjects: microeconomics, macroeconomics, statistics, etc. And one by one, let's discuss the book list for each of these subjects. So starting with microeconomics, you have three options: H.L. Hooja, Nicholson and Snyder, and Helvarian. Helvarian is a very nice read. ये आपको किसी भी graduation या मास्टर्स की एक सजेस्टेड रीडिंग लिस्ट में ये बुक आपको जरूर मिलेगी. दिस इज दैट यूनिवर्सल. आप अपने कॉन्सेप्ट यहाँ से भी पढ़ सकते हैं. और यू आर लुकिंग फॉर सम वेरी क्रिस्प नोट्स और आप चाहते हैं कि आपके पुराने कॉन्सेप्ट सिर्फ रिवाइज करने के लिए आपको कोई जगह चाहिए. आपके पास एक कॉन्सेप्चुअल बेस ऑलरेडी बना हुआ है, बस यू वॉन्ट जस्ट टू रिवाइज ऑल दोज प्रीवियस कॉन्सेप्ट, तो आप निकल्सन स्नाइडर भी रेफर कर सकते हैं. बट आप अगर इफ बिगनर हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप H.L. Hooja को रेफर कीजिए. H.L. Hooja बहुत बल्की बुक है, लेकिन आपको पूरी बुक नहीं पढ़नी है. इन तीनों में से भी कोई भी बुक आपको कवर टू कवर नहीं पढ़नी है. आप सिलेबस में से देखो और फिर अपने कॉन्सेप्ट्स को इन बुक्स में से पढ़ो. H.L. Hooja में से आपको थोड़ा रिलेटेबल और थोड़ा इजी इसलिए हो जाता है बिकॉज ये एक इंडियन ऑथर की है. इंडियन ऑथर का होने की वजह से इसके कॉन्सेप्ट्स थोड़े से रिलेटेबल हो जाते हैं. रिलेटेबल मैनर में आपको प्रेजेंट किए गए हैं. ऑल द डिनोमिनेशंस आर इन रुपीज टर्म. और अगर कोई इकोनॉमिक्स की कमेंट्री चल रही है, इट इज फ्रॉम डॉक्टर अमर्त्या सेन, तो आपको थोड़ा इजीली आप समझ लेते हैं उसको. तो आप इन तीनों में से कोई सी भी बुक रेफर कर सकते हैं गिवन योर एक्सपर्टीज विद दिस सब्जेक्ट. नेक्स्ट यू हैव माइक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए भी देर इज H.L. Hooja. H.L. Hooja की वही सेम प्रॉब्लम्स हैं और सेम उसके एडवांटेज है कि एक इजी रीड है. इसमें यूजीसी नेट के सारे टॉपिक्स कवर हैं. ये यूजीसी के पैटर्न के हिसाब से ही बनी हुई बुक है. ग्रेजुएशन और मास्टर्स के लिए आप इस बुक को रेफर कर सकते हैं. आप सिलेबस देख के इस बुक को कवर कीजिए. अगर आप बिगिनर हैं तो ये एक बहुत इजी रीड है और ये इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी हाईलाइटेड है, तो आपका कुछ भी छूटेगा नहीं. और रिपीटेटिव होने की वजह से टेक्स्ट रीड करते करते ही आपकी रिवीजन हो जाएगी. नेक्स्ट यू है मैनक्यू. मैनक्यू एक बहुत ईजी रीड है. आप इसको भी रेफर कर सकते हैं. ये जनरली फर्स्ट सेमेस्टर जो होता है इको का ग्रेजुएशन में, ये उसमें सजेस्टेड रीडिंग होती है, तो ये थोड़ी बेसिक है. आप इसको भी रेफर कर सकते हैं, पर शायद इसमें से सारे टॉपिक्स यूजीसी नेट के कवर नहीं हों सिलेबस में से, तो आप इसको सप्लीमेंट कर दे सकते हैं किसी ऑनलाइन वीडियो से, तो वो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा टू ग्रेस्प एवरीथिंग एंड यू वोंट लीव एनीथिंग फ्रॉम योर सिलेबस. नेक्स्टली यू हैव ब्लांचम एंड फ्रॉयन. फ्रॉयन एक बहुत अच्छी कंसेप्चुअल बुक है. अगर यू आर लुकिंग फॉर सम बुक की जिसमें से जल्दी से मेरे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाए, तो आप फ्रॉयन के भी ले सकते हैं या आप ब्लैंचर्ड भी ले सकते हैं. ब्लैंचर्ड को मैं थोड़ा लास्ट ऑप्शन अपना रखूंगी. अगर मुझे कोई नई बुक खरीदनी है तो मैं H.L. Hooja या फ्रॉयन में से खरीदूंगी फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम. नेक्स्टली वी हैव स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स. स्टैट्स और इकोनोमेट्रिक्स के लिए आप अपने ग्रेजुएशन के अगर आपके कोई पास नोट्स पड़े हुए हैं तो आप उनको भी रेफर कर सकते हैं. एक स्टैटिक सब्जेक्ट है, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होता, तो पुराने नोट्स भी आपके इक्वली गुड हैं. तो अगर आप बुक्स रेफर करना चाह रहे हैं, सो यू हैव डिवोर एंड यू हैव गुजराती. इफ़ यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल बेस
और आप चाहते हैं कि आप कोई मैथमेटिकल टर्म्स में ही आपको कोई स्टैट्स और इकोनॉमेट्रिक्स समझाए, सो यू कुड रेफर टू डिवोर। डिवोर में आपके मैक्सिमम टॉपिक्स मैथमेटिकल यूजेज से ही समझाए गए हैं, बट इफ यू आर लुकिंग फॉर सम कंसेप्चुअल बुक जिसके अंदर आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज एक बहुत इजी टेक्स्ट में समझाई जाए, यू कैन रेफर टू गुजराती। गुजराती में आपको इकोनॉमेट्रिक्स का आपको जितना टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। गुजराती एक ऐसी बुक है जो आपको आज ही नहीं हेल्प करेगी, आपके आगे भी अगर एम फिल आप करते हैं, पीएचडी करते हैं, हमेशा आपको गुजराती हेल्प करेगी। बट इफ यू आर नॉट गोइंग फॉर एनी बुक सोर्सेज, आई वुड सजेस्ट कि इस एग्जाम के लिए आप ऑनलाइन रिसोर्सेज पे भी रिलाई कर सकते हैं। ऑनलाइन रिसोर्सेज नए या पुराने कोई भी एब्सोल्यूट नहीं हुए हैं इस एग्जाम के लिए। पुराने सोर्सेज भी आप रेफर कर सकते हैं क्योंकि इस एग्जाम के लिए पुराने सोर्सेज भी काम करेंगे। स्टैट्स का सिलेबस चेंज नहीं हुआ है काफी लंबे टाइम से, सो यू कुड रेफर टू ऑनलाइन रिसोर्सेज टू। इसके साथ आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लीजिए क्योंकि एमसीक्यू प्रैक्टिस करने से ही आपको पता चलेगा आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। नेक्स्ट यू हैव मैथमेटिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स। मैथमेटिकल मेथड्स के लिए दो बुक्स हैं। ये दोनों ही बुक्स मुझे ग्रेजुएशन में भी और मास्टर्स की सजेस्टेड रीडिंग में थी। आप लोगों ने भी ये बुक्स देखी होंगी। एमएमई की ज्यादा बुक्स हैं भी नहीं मार्केट में। तो वन इज योर सिसेटर एंड हामंड एंड अदर बुक इज चियांग। अगर आप कोई बुक लेना ही चाहते हैं तो इन दोनों बुक्स में से ले लीजिएगा। बट आई वुड सजेस्ट कि इस सब्जेक्ट के लिए कोई बुक पे रिलाई ना करके आप ऑनलाइन रिसोर्सेज पढ़िए, आप अपने सिलेबस को देखिए, फिर उसके बाद आप पास्ट ईयर्स पढ़िए। व्हेन यू आर गोइंग थ्रू पास्ट ईयर्स आपको पता चल जाएगा कि कुछ टॉपिक बहुत रिपिटेटिव हैं इस एग्जाम के लिए। कुछ क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं सेम टॉपिक्स में से। फॉर एग्जाम्पल, लीनियर प्रोग्रामिंग का जो टॉपिक है वही बार बार एग्जामिनर पूछता है, तो आपका टाइम दूसरी चीजों पे जब आप लगाते हो इस सब्जेक्ट के लिए तो वो थोड़ा ज्यादा खराब हो जाता है। तो बेटर ये रहेगा कि आप इन सारे पास्ट ईयर्स को रेफर कीजिए और उसके बाद वहां से आप लीनियर प्रोग्रामिंग का अगर जैसे टॉपिक ज्यादा पूछा जा रहा है या फिर आपका सेट्स ज्यादा पूछे जा रहे हैं तो आप उनकी तैयारी ज्यादा कीजिए। नेक्स्ट इज योर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स आई वुड सजेस्ट टू स्टिक विद सेल्वाटोर। सेल्वाटोर एक ऐसी बुक है जो आपको हमेशा हेल्प करेगी। इस एग्जाम के लिए नहीं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जिसपे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स आ रहा है, आपको सेल्वाटोर हमेशा हेल्प करेगी। दिस इज योर वन होली ग्रेल। तो आप सेल्वाटोर को कवर टू कवर नहीं पढ़ना है, उसमें से आप स्पेसिफिक टॉपिक्स नोट कीजिए अपने सिलेबस में से और वो आप इसमें से कवर कर लीजिए। देर इज ऑल्सो वन गुड बुक, क्रूगमैन। बट अगर आप बुक ले ही रहे हैं तो आप प्लीज सेल्वाटोर लीजिए। आई वुड सजेस्ट कि दिस इज अ बेटर बुक फॉर यू। नेक्स्ट इज योर पब्लिक इकोनॉमिक्स। आफ्टर डूइंग मैक्रो, माइक्रो, इकोनोमेट्रिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, यू मस्ट फील सम एग्जॉस्टन। उस एग्जॉस्टन को दूर करने के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप ऑनलाइन रिसोर्सेज पे रिलाई करें इस सब्जेक्ट के लिए। देर इज अ गुड बुक कॉल्ड एचएल भाटिया, आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। पर आई वुड सजेस्ट कि इस सब्जेक्ट के लिए प्लीज ऑनलाइन रिसोर्सेज पे जाइए। इस सब्जेक्ट की तैयारी बहुत क्विकली की जा सकती है और आप पर टाइम कॉस्ट एनालिसिस भी आपको करना है, तो उसके लिए आई वुड सजेस्ट कि टॉपिक देखो और ऑनलाइन सर्च की करो। इस सब्जेक्ट के लिए कोई बुक ना खरीदो तो दैट वुड बी रियली बेनिफिशियल फॉर योर प्रिपरेशन। नेक्स्टली वी हैव मनी एंड बैंकिंग रिसोर्सेज। सो मनी एंड बैंकिंग आप एच एल आहूजा से भी कवर कर सकते हो। एच एल आहूजा में एक पोर्शन मनी एंड बैंकिंग पे भी है, एक पोर्शन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का है, ग्रोथ का भी एक टॉपिक है और मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी इसी बुक में एक टॉपिक है। नेक्स्ट यू हैव एस पी गुप्ता, ये भी एक अच्छी बुक है। बट अगेन, जब आप इतना सब कुछ पढ़ चुके होंगे शायद आपके पास टाइम थोड़ा कम पड़ रहा होगा। मैं आपको पहले ही ये बता रही हूँ ताकि आप पहले ही अपने
क्लॉक को उस तरीके से सेट कर लीजिए कि आपको शायद इस सब्जेक्ट के लिए ऑनलाइन रिसोर्सेज पे रिलाई करना होगा, एंड देर आर वेरी गुड वीडियोज आउट देयर एंड यू कुड रेफर टू दोस। मैंने भी अपनी तैयारी ऑनलाइन रिसोर्सेज से ही करी थी फॉर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। नेक्स्टली वी हैव ग्रोथ। ग्रोथ के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप अपने नोट्स पे जाइए, पुराने जो आपके ग्रेजुएशन के नोट्स बने होंगे। दिस इज अ वेरी स्टैटिक सब्जेक्ट, आपका कुछ भी इसमें से पुराना नया कुछ नहीं है इसमें, पुराना भी चलेगा क्योंकि थ्योरीज हैं इस सब्जेक्ट में और वो थ्योरीज जो हैं वो चेंज नहीं होंगी। तो आप पुराने नोट्स भी अपने रेफर कर सकते हैं और यू कुड रेफर टू एचएल पूजा। एचएल पूजा में ग्रोथ का टॉपिक है। देयर इज अ वेरी नाइस बुक थिलवाल करके, आप वो भी पढ़ सकते हैं। बट फिर अगेन द सेम थिंग इज कि दिस इज अ वेरी बल्की बुक, बोथ ऑफ दीज आर बल्की। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा अपने लिए टाइम कॉस्ट मैनेजमेंट भी करना आना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप ग्रोथ का टॉपिक पूरा कवर नहीं कर पाए। ग्रोथ में से बहुत क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और कुछ बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो कि एक फ्री के नंबर होते हैं। तो आप प्लीज, आप ग्रोथ के लिए अगर टाइम कम पड़ रहा है सो आई वुड सजेस्ट कि आप ऑनलाइन जाइए और टॉपिक वाइज हर टॉपिक का वीडियो देखिए। और ग्रोथ की तैयारी आई वुड सजेस्ट आप ऐसे करो कि टॉपिक देखा, वीडियो देखी, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया और आप फिर देखो कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया है, कौन इकोनॉमिस्ट है इससे रिलेटेड, वो भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ऐसे फ्रॉम ग्रोथ। तो आफ्टर दैट यू हैव इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स। इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स के लिए आप सीधा ही ऑनलाइन वीडियोस पे जाइए, कोई स्पेशल बुक पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। मॉक टेस्ट दो और यू वुड बी एबल टू एस दिस एग्जाम। अगर आपको इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स पे कुछ और पढ़ने का मन करता है सो यू कुड आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। मेरी जो रिसर्च ISI में थी दैट वाज ऑन इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स ओनली। तो इफ यू वांट टू रीड समथिंग आउट ऑफ योर पैशन फॉर इकोनॉमिक्स देन यू कुड जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। I would suggest you some very nice readings. Actually, we have Indian economics. Indian economics एक dynamic subject है। Dynamic subject के लिए कोई भी मैं आपको book बताऊं that is going to be obsolete. That would lead to confusion only. Confuse नहीं होना है इस exam की preparation में, तो ये मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि book refer करने के बजाय you watch online videos. आज से ही शुरू हो जाइए इंडियन इको की तैयारी, आप साथ साथ ही कर सकते। कोई भी अगर वीडियो आती है कि इन्फ्लेशन रेट क्या चल रहा है इंडियन इकोनॉमी में, या बजट की कोई भी वीडियो आती है, आप उनको आज से ही देखना शुरू कर दीजिए। दैट वुड बी वेरी यूजफुल फॉर योर प्रिपरेशन। ऑल्सो यू स्टार्ट वॉचिंग न्यूज़। आप जब न्यूज़ देखते हो तो उसमें बहुत सारी इकोनॉमिक स्पेसिफिक न्यूज़ भी होती है। इन्फ्लेशन रेट क्या चल रहा है, किस क्वार्टर में कितनी ग्रोथ रेट है, ये सारे टॉपिक्स आपको वहीं से प्रिपेयर हो जाएंगे और इस कंफ्यूजन से एकदम 180 डिग्री आप में शिफ्ट होएगा और आप ये एकदम खुश बच्चे हो जाएंगे बिकॉज यू आर एसिंग दिस एग्जाम फ्रॉम योर दिस प्रिपरेशन। सो आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।